वर्ष 19 व 2020 में राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबंध बाल रोग विभाग तथा अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु माहवार व अस्पतालवार सूची परिशिष्ट एक पर संलग्न है। खंड दो परिशिष्ट एक के अनुरूप खंड तीन दिसंबर 2019 एवं दिसंबर 2020 को कोटा चिकित्सा महाविद्यालय जेकेलोन चिकित्सालय में हुई मृत्यु के पश्चात सरकार द्वारा जांच करवाई गई। जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया, किंतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु की गई कार्रवाई एवं राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई परिशिष्ट दो पर संलग्न है। खंड चार चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय से संबंधित चिकित्सालयों में नवजात शिशुओं की विभिन्न कारणों से होने वाली मौतों की घटनाओं के इनपुट के आधार पर वहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार, आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता, चिकित्सकों की नियुक्ति सहित उठाए गए कदम माहवार एवं अस्पतालवार परिशिष्ट तीन पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि जो आपने सूची दी है उसके अनुसार पिछले दो वर्षों में 19,190 बच्चों की मौत हुई है, और जब मैंने टोटल किया तो उसमें आप जो जवाब दे रहे हैं कि मैंने तीसरे खंड में पूछा क्या सरकार द्वारा उक्त मौतों के क्रम में कोई जांच करवाई गई, आप केवल जेकेएल कोटा की बात कर रहे हैं जबकि कोटा में कुल मौतें हुई हैं 1552 दो वर्षों में, जबकि उससे कई गुना जयपुर में हुई हैं 6378, मेरे अजमेर में हुई हैं 2139, उदयपुर में हुई हैं 2469, क्या इन बाकी हॉस्पिटल्स में भी आप जांच करवा करके आप इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? और नंबर दो इसके साथ जुड़ा हुआ, कोटा में आपने लिखा कोई दोषी नहीं है, यदि दोषी नहीं है तो आपने कुछ लोगों को निलंबित और APO आखिर क्यों किया है? इसके दोनों का जवाब देंगे तो फिर मैं एक प्रश्न अजमेर से जुड़ा हुआ पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो सवाल कर रहे हैं ना, ये आंकड़े आप 17-18 के भी उठा के देख लो जरा, सुनिए मेरी, अरे आप तो मैं मेरी बात जवाब मैं दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय जवाब मैं दे रहा हूँ। एक मिनट मंत्री जी, आपको उत्तर नहीं सुनना है? उत्तम तो मंत्री से सुनना पड़ेगा आपको, फिर आप बीच में इंटरव्यू नहीं करेंगे। ये दो जगह पे सिर्फ जयपुर में और झालावाड़ में कुछ मौतें ज्यादा हुई है, लेकिन आपके अजमेर में 17-18 में मैं आपको बताना चाहता हूं, 17 में 1060, 2018 में 1276, 2019 में सिर्फ 1200 और फिर 2020 में 939। ये कितनी कम है इसको भी कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद ये कोटा के अंदर 2017 में 852 और 2018 में 881 और हमारे टाइम में ये कम हुई 835 हुई, 717 रह गई। आप आंकड़े जोड़ जोड़ के बताते हो, उसके बाद जोधपुर के ले लो वहाँ कम हुई है, उसके बाद उदयपुर के ले लो वहाँ कम हुई है, उसके बाद आप बीकानेर के ले लो वहाँ कम हुई है, सिर्फ झालावाड़ और जयपुर में, क्योंकि जयपुर सबसे बड़ा अस्पताल है, रेफर्ड केसेज आते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पिछली बार जब 2019 में ये सवाल उठाया गया प्रतिपक्ष के द्वारा वहाँ कोटा में जाके, और जिस जंग की बच्चों की मौत पर राजनीति हुई, भारत सरकार जो अपने आंकड़े जारी करती है नीकू के और SNCU के, उन आंकड़ों पे गौर करो। ये हमने उस टाइम जारी किया था 2019 में जब आप लोगों ने हल्ला किया था, जो टॉप 10 स्टेट हैं उसमें राजस्थान का नंबर नहीं है, और इसमें ज़्यादातर वो स्टेट हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप क्या बातें कर रहे हो? और उसके अलावा अगर आप तुलना करना चाहते हो गुजरात से, तो गुजरात की तुलना भी हमारे पास है, और आप अगर तुलना करना चाहते हो बिहार से, उसकी तुलना भी हमारे पास। मेरा कहना ये अध्यक्ष महोदय जवाब दे रहा हूं, इनको सुनना पड़ेगा। जब ये कैलकुलेट करके लाए हैं तो ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से रिलेटेड सवाल है, और बच्चों की मौत क्यों होती है ये माननीय सदस्य जानते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि 2019 के बाद जब हमने ये जारी किया कि पहले टॉप 10 राज्यों में बच्चों की मृत्यु के मामले में राजस्थान सम्मिलित ही नहीं है, तो भारत सरकार ने 2020 से ये आंकड़े जारी करना बंद कर दिया अध्यक्ष महोदय। और ये वंदना गुरनानी, ये भारत सरकार की अपर सचिव है, मिशन निदेशक, इन्होंने क्या लिखा है राजस्थान के बारे में, दिस इज विद रेफरेंस टू योर DO लेटर डेटेड 27 जनवरी 2021 रिगार्डिंग एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल टीम
विजिट एट जेके लोन हॉस्पिटल कोटा राजस्थान. वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स मेड बाय द स्टेट फॉर टेकिंग एक्शन ऑन मेनी द सेंट्रल टीम रिकमेंडेशंस. द स्टेट इज कमिटेड टू टेक एक्शन विद रिगार्ड्स टू मॉनिटरिंग. हमारी भारत सरकार तारीफ कर रही है कि आपकी टीम सेंटर की आई थी वहाँ, उन्होंने जो रिकमेंडेशन की उस पर जो हमारे डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया वो उसके तारीफ के लिए चिट्ठी उन्होंने भेजी. और अध्यक्ष महोदय, ये सवाल यूनिवर्सल है, पूरे देश का सवाल है. बच्चों की मौत क्यों होती है, उसके कारण क्या है? जन्म के समय में मस्तिष्क में गंभीर क्षति यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, शरीर में रक्त के गंभीर संक्रमण, श्वास लेने में गंभीर तकलीफ, समय से पूर्व जन्म, गंदा पानी श्वास नाली में चले जाने से श्वास की गंभीर तकलीफ, जन्मजात हृदय की बीमारी या हार्ट फेल हो जाना, श्वसन तंत्र में दूध या उल्टी चले जाने से श्वसन तंत्र का गंभीर संक्रमण, शरीर में रक्त के गंभीर संक्रमण के कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाना, मस्तिष्क का गंभीर संक्रमण, ये तमाम कारण है. ये जो सवाल माननीय सदस्य उठा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं माननीय सभा, मैं आप गए तो मंत्री जी का उत्तर पढ़ा मान लू, तो अगला प्रश्न लू मैं. माननीय अच्छा मंत्री जी ने अच्छा जवाब दिया है, धन्यवाद. अगला प्रश्न. तो फिर आप सुनने नहीं चाहते, फिर मतलब क्या है? जब मंत्री जी पहले मंत्री जी पूरी बात सुनो, पहले मंत्री जी पूरी बात सुनो, बीच में इंटरव्यू किया मंत्री जी जवाब दें. माननीय, ये अभी जो बजट पेश किया मुख्यमंत्री जी ने, ये जो बच्चों की मौत का कारण क्या होता है कि जो एम्बुलेंसेज है, और ये और बता दूं मैं आपको कि ये जो आज बच्चे मर रहे हैं ना, इन बच्चों के लिए आप भी जिम्मेदार हो, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. कहीं इक्विपमेंट की कमी है तो उनको टाइमली कर दें, अगर भर्ती की बात है तो डॉक्टर्स की भर्ती टाइमली कर दें. ये एक दिन में मृत्यु बच्चों के कारण नहीं बनती है. और दूसरी बात, अभी जो बजट पेश किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, ये सबसे बड़ी कमी क्या है सर, ये आते हैं रेफर्ड केसेस. ये CSC से रेफर्ड आते हैं, PSC से रेफर्ड आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफर्ड आते हैं, कई दिनों ये वहाँ भर्ती रहते हैं. जब इनकी कंडीशन बिगड़ जाती है, ये रेफर्ड केसेस हमारे नीकू में और SNCU में आते हैं. तो आज इस बजट के अंदर, पहले हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में 34 इस तरह की एम्बुलेंसेज थी, जिन एम्बुलेंसेज में वेंटिलेटर था, AC था, मल्टी मॉनिटर सिस्टम था. अब हमारे बजट में मुख्यमंत्री जी ने 22 तो मेडिकल एजुकेशन में और 36 चिकित्सा विभाग में कुल 58 ऐसी एम्बुलेंसेज, क्योंकि इन एम्बुलेंस के उपलब्ध होने के बाद में ये जो IMR है इसकी प्रतिशत में गिरावट आएगी, ये हमारा विश्वास है. माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि इन्होंने दूसरी जांच के लिए कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस समय JLN डिपार्टमेंट में जो शिशु रोग विभाग है, उसमें एक तो अधीक्षक का काम कर रहे हैं यूनिट प्रभारी, दूसरे एक वर्ष से बीमार हैं, तो आज एक तरह से पूरा शिशु विभाग एक सहायक आचार्य के भरोसे चल रहा है, तो क्या उसके अंदर अन्य स्टाफ की ये नियुक्ति करेंगे? एक दूसरा, जनाना हॉस्पिटल में शिशु रोग विभाग भी JLN के अंतर्गत आता है, क्या सरकार जनाना अस्पताल के लिए शिशु रोग विभाग में नई यूनिट स्वीकृत कर बच्चों की मौत से बचाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न के जवाब में इनको जवाब दे दिया था कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में 5 अगस्त 2020 को एक सहायक आचार्य की नियुक्ति की गई है. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में 22 जनवरी 2021 को चिकित्सा विभाग के द्वारा एक सहायक आचार्य के रिक्त पद पर नवनियुक्त किया गया है. इसके अलावा राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय अजमेर, उसमें भी शिशु रोग विशेषज्ञ की बढ़ोतरी हमने की है, वहाँ पर इक्विपमेंट भी हमने बढ़ाए हैं. और फिर भी माननीय सदस्य की अगर चिंता है, मैं खुद भी अजमेर जिले का हूँ, कोई भी कमी होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उस कमी को हमारी सरकार, जो संवेदनशील है, जो पारदर्शी है, जो जवाबदेह सरकार है, वो पूरा करेगी. अगला प्रश्न गोपीचंद मीणा, संख्या अगला प्रश्न गोपीचंद मीणा, संख्या 298, क्रम संख्या 1, ग्राम पंचायत किशनगढ़ के ग्राम सुजानपुरा का खसरा संख्या 61 की भूमि निजी खातेदारी की है, जो कि रूपा बेवा हीरा व अन्य